हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम बात करेंगे शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। कौन सी शेप? ओनली बॉन्ड पेयर तो हमने आपके पहले मेरे फर्स्ट वीडियो में आप देख चुके हैं। अभी हम बात करेंगे वो कंटेन करते हैं बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर। ओके, अब हमारे पास दोनों चीजें आएंगी, बॉन्ड पेयर एज वेल एज लॉन पेयर। क्लियर है आपके पास? तो हमने कहा था कि दो आपके पास दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है आउटमोस्ट सेल में, हमारे पास कंटेन कर रहा है, दो आपके पास लिगेंड जुड़ रहे हैं, दो एटम जुड़ रहे हैं सराउंडिंग किसके, सेंट्रल मेटल एटम के। अगर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो आप उसमें कहेंगे कि एक सेंट्रल एटम तो हो गई ए, उससे जुड़ गए कितने, दो, ये लीजिए दो जोड़ दिए हमने, चाहे आप इनको ऐसे जोड़ लीजिए। क्लियर? एंगल भी आपका कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इसके, 180 डिग्री हमारे पास एंगल। शेप कैसी हो जाएगी आपकी? लीनियर, एक लाइन हो जाएगी लीनियर। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हम इस पे लेते हैं बी EF2, BECl2, etc. ठीक है, या HgCl2, etc. अब बात आ रही किसकी, सेकंड कि थ्री इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहे हैं। थ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब उसके पास थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सेंट्रल मेटल एटम के पास कितने, थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अब आपके पास तीन है, एक दो और तीन, सेंट्रल मेटल एटम ने तीन इलेक्ट्रॉन कंटेन कर लिया आपके पास। ठीक है, ये शेप हो गया आपके पास ट्रायंगुलर प्लेनर। प्लेनर ट्रायंगुलर प्लेनर शेप हो गई। इसके अंदर अगर हम बात करें, पूछे कितने टोटल नंबर ऑफ, इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर लॉन्ग पेयर कितने हैं भाई, दो तो बॉन्ड पेयर हो गए और जीरो क्या हो गए, लॉन्ग पेयर। इसमें बात करें तीन तो हो गए बॉन्ड पेयर और जीरो हो गए लॉन्ग पेयर। ठीक है, अभी आवे, अब इसी की शेप को हमने कहा ए बी टू और इसको कह रहे हैं हम ए बी थ्री, बट अभी तक तो बॉन्ड पेयर बात आ रही थी ना, अब बात कर लेते किसके हम साथ लॉन्ग पेयर, और हमने इसको कहा ए बी टू और एन, एक बॉन्ड को तोड़ दिया, उस पर क्या लगा दिया हमने, इसी का पार्ट, ये फर्स्ट ये सेकंड, इसका फर्स्ट और ये सेकंड, ए बी टू एन। ठीक है, अब वो डिस्टर्ब किसको करेगा, इसको से करेगा, और आपके पास क्या हो जाएगा ए, ये बी और ये बी, और ये क्या हो गए लॉन्ग पेयर। तो कितने हैं, दो तो हो गए बॉन्ड पेयर, एक क्या हो गया लोन पेयर। क्लियर? शेप देखिए इसकी, इसको आते हैं इसमें, तो ये आपकी शेप ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे आ रही है, और इस शेप को हम कहते हैं हमारे पास बैंड शेप या वी शेप। क्या कहते हैं इसको, बैंड या वी शेप। ठीक है, अब ये आपके पास बनाती है, हमारे पास शेप बनाती है। एग्जांपल तो इसमें ले, हमारे पास है BF3 है, SO3 है, AlCl3 है, ये लीजिए इसके एग्जांपल BF3, AlCl3 और SO3 एटसेट्रा। क्लियर? अब इसके अंदर क्या है, बैंड है, झुकी हुई शेप है हमारे पास, SO2 है, O3 है, H2O और एटसेट्रा। या तो दीज आर द शेप ऑफ ए बी टू टाइप एंड ए बी थ्री टाइप, जिसके अंदर आप पास दो आ रही, इसमें हमारे पास तीन बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर है, या हमारे पास देखो एक और एक दो तो हो गए बॉन्ड पेयर, एक हो गया लोन पेयर। ठीक है, एंड नेक्स्ट वी आर फाइंड आउट ए बी फोर, हमारे पास क्या है, नेक्स्ट इज ए बी फोर, थर्ड, थर्ड इज ए बी फोर। AB4 आते हमारे पास क्या हो गई, एक सेंट्रल एटम A हो गया और चार उससे बॉन्ड जुड़े हुए हैं, ये हमारे पास कौन सी शेप हो गई, टेट्रा हेड्रल शेप।
क्या नाम देंगे इसको भाई? टेट्राहेड्रल। यहां पे चार तो आपके पास क्या है, बॉन्ड पेयर है, और जीरो क्या है, लोन पेयर है। चार की हमने यूज किया टेट्राहेड्रल, मींस थोड़े से अपने शेप से झुके हुए हैं, वो इस प्रकार से शेप बनाते हैं हमारे पास। हम लेते हैं यहाँ एक एंगल तो ये रहा, एक एंगल ये वाला जो दूर वाला जो लॉन्ग डिस्टेंस को शो कर रहा है हमारे पास, इसको ये जो बी वाला बीच वाला है, एक तो ये इधर है, एक इधर है और एक इधर है हमारे पास, ठीक है। इस प्रकार की टेट्राहेड्रल शेप वो बनाते हैं हमारे पास। सी एच फोर है एग्जाम्पल, सी एच फोर, एस आई एच फोर हमारे पास, एन एच फोर एक्सेट्रा। अब हमने इसका फर्स्ट पार्ट, अब कहे इसमें कि साथ बॉन्ड पेयर के साथ क्या आ जाए, लोन पेयर आ जाए, ए बी थ्री एल, ए बी थ्री एल। तो देखो इसमें तीन तो आपके पास यही शेप है, ए ये एक लोन पेयर आ गया, एक बॉन्ड पेयर, दो बॉन्ड पेयर और तीन बॉन्ड पेयर, तो कितने आ गए, थ्री तो बॉन्ड पेयर आ गए, और सॉरी वन आ गया आपका लोन पेयर। अब हमारे पास शेप कैसी है, लाइक एज ये बनती है हमारे पास एन एस थ्री, मैं तो ये हमारे पास एन एस थ्री, पी सी एल थ्री है हमारे पास, ठीक है, और एच थ्री ओ पॉजिटिव एक्सेट्रा। क्लियर बन गया पास, इसकी शेप कैसी बनी हमारे पास, ठीक है। ये आपके पास हो गए ट्राइगोनल पायरामिड, कैसे हो गई ट्राइगोनल पायरामिडल, ठीक है, पिरामिड की तरह हमारे पास दिखाई देती है। अब इसका थर्ड पार्ट कि आपने क्या किया, ए बी टू एल टू, दो ऑन पेयर है और दो लॉन पेयर आपके पास आ गए। अब शेप डिस्टर्ब कौन हो रही भाई, इसी के पार्ट चल रहे हमारे पास, इसी से ये आए तो इसी से हम ये पढ़ेंगे आगे। ए एक तो लोन पेयर था ही, और एक और हटा दीजिए भाई, ठीक है। तो कैसी शेप आ गई, जैसी शेप की आ रही थी हमारे पास बैंड शेप। क्या भाई, बैंड शेप, ठीक है, जो आपके पास लाइज करे चार H2S, एक ऐसा सेंट्रल मेटल एटम जिसके पास दो दो तो क्या है लोन पेयर हो, और दो क्या हो उसके पास बॉन्ड पेयर हो, H2S, NH2 नेगेटिव एक्सेट्रा। तो यहां हमारे पास क्या है, एक दो दो बॉन्ड पेयर हो गए और दो लोन पेयर हो गए। किलोरी शेप यहां तक की कि भाई आपके पास ए बी टू ए बी थ्री ए बी टू एल AB4, AB3L, AB2L2, ए बी टू एल टू, दीज शेप्स आर इंक्लूड विद बॉन्ड पेयर एज वेल एज लॉन्ग पेयर। नेक्स्ट आपके पास है कि फाइव इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है या तो पता है कि फाइव इलेक्ट्रॉन्स कंटेन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल फोर्थ। इसके लिए अगर हमने किया सेंटर मेटल, तीन बॉन्ड तो तीन हमारे पास लिगेंड कहां अटैच हो जाएंगे, एट एक्सियल पोजीशन पे, कहां हो गए एट एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है, तीन तो कहां हो गए एक्सियल, जिसको आपने बोला ट्राइगोनल, क्या बोला आपने ट्राइगोनल, और दो क्या हो गए उसके, एक ऐसे ऊपर की तरफ हो गए, एक नीचे की तरफ, वो इक्विटोरियल पे, ठीक है, और ये हो गया आपका एक ऊपर और एक नीचे, देखिए मिलते हैं तो ये हो गई पायरामिडल शेप, और नीचे भी आ गए तो लिख दिया हमने दोनों, तो क्या लिख देंगे बाई पायरामिड। तो जिसके पास पांच इलेक्ट्रॉन हो, जैसे पी एफ फाइव, हम केस कौन सा लेते हैं मोस्टली पी एफ फाइव, पी सी एल फाइव, ए एस फाइव, आर्सेनिक, क्योंकि यही ग्रुप होता है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, एक ग्रुप नंबर 15 होता है आपके पास, वो भी पांच इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है एक्सेप्ट नाइट्रोजन को, ठीक है। अब आपके पास इसको कहा हमने ए बी फाइव, अब हम इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं,
सपोज उसके अंदर क्या है, चार तो बोन पेयर हो और एक लोन पेयर हो, ठीक है, चार बोन पेयर और एक लोन पेयर हो, तो सबसे पहले कौन से एंगल टूटेंगे हमारे एक्सियल, जो हमारे लास्ट स्मॉलेस्ट एंगल जो होती है इनकी, वो ये आपके पास टूट गए। लाइक एस एस एफ फोर, चार शेप हो गए हमारे पास, इसको कहते हैं सी सा स्ट्रक्चर शेप, सॉरी कैसी शेप है, सी सो शेप, ठीक है, जहां पर आपके पास क्या है, फोर तो बोन पेयर है और एक लॉन्ग पेयर है। अब इसको कहा थर्ड पार्ट, जब पॉसिबिलिटी बन रही है ए बी थ्री एल टू, ए बी थ्री एल टू कि भाई सेंट्रल मेटल एटम के साथ तीन बोन पेयर हो और दो लोन पेयर हो, तो भाई इफेक्ट कहां पड़ेगा, मैंने क्या कहा था एक्सियल एंगल पे ही हमारे पास ए बी 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 और ये लोन पेयर, ठीक है, तो ये आपकी शेप कैसे हो गई हमारे पास ए बी, देखिए ये हमारे पास अपने जो अल्फाबेटिक वर्ड होता है वो शेप नहीं है टी, तो टी शेप कैसे बन गया आपके पास टी से, जो आपके पास बनती है सी एल एफ थ्री, सी एल एफ थ्री। इसका फोर्थ एग्जांपल और आपके लिए लेते हैं कि भाई ए बी टू एल थ्री, देखिए ए बी टू तो हमारे पहले शेप से ना दो इलेक्ट्रॉन चली थी, तो वहां लास्ट डे तक हमें जाना है ए बी टू एल, जिसमें बॉन्ड पेयर दो हो और लोन पेयर तीन हो, जैसे हमारे पास तो तीनों के तीनों हटा दू, एक दो तीन हटा दू, इनको ए बच गया बी कैसी से होगी, वही आ गया अपने पास पहले वाली दो वाली लीनियर, लीनियर बना हमारे पास कौन सा आ रहा है लीनियर में एक्स ई एफ टू जीन एन फ्लोराइड एक्स ई एफ टू, दीज आर शेप्स ऑफ दोज एलिमेंट्स विच कंटेन्स फाइव इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल, या आपके पास विच कंटेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ डबल बोन सॉरी बोन पेयर एज वेल एज लॉन्ग पेयर। नाउ नेक्स्ट इज योर फिफ्थ ए बी सिक्स, मीन्स सिक्स इलेक्ट्रॉन, तो आप पास है ए बी बी बी, ये हमारे पास क्या है सारे बी क्या इंडिकेट कर रहे हैं बोन पेयर, क्या इंडिकेट कर रहे हैं ये बोन पेयर, ठीक है एस एफ सिक्स छह बोन पेयर हैं और जीरो लोन पेयर हैं, ये शेप आपके पास हो गई ऑक्टाहेड्रल, कैसे हो गई ऑक्टाहेड्रल। अब हम लेते हैं इसकी फर्स्ट पार्ट सेकंड, सपोज करो आपके पास पांच बोन पेयर हो और एक लोन पेयर हो, पांच तो क्या हो बोन पेयर हो और एक क्या हो लोन पेयर हो, ठीक है, तो आप पास से का इफेक्ट पड़ेगा, इन पे एक पड़ेगा हमारे पास, इन पे एक कोई भी एक बोन तोड़ देंगे हम, एक कोई का मतलब क्या है एक स्पेयर जो शेप बन रही उसको ये लीजिए बी 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 और बी, ये ठीक है, ये तो होगी स्क्वायर और ये होगी पायरामिडल, स्क्वायर पायरामिडल शेप, ठीक है। अब थर्ड हमारे पास ए बी फोर एल टू, जिसमें क्या हो चार बोन पेयर और दो लोन पेयर, तो आपके पास हो गए एक दो तीन चार ए बी कैसे हो गई स्क्वायर प्लैनर, कैसे हो गई भाई स्क्वायर प्लैनर, जो आपके पास क्या बनाती है एक्स ई एफ फोर, तो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स विच कंटेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉन्ग पेयर या बोन पेयर
सराउंडिंग सेंट्रल मेटल एटम। अब इनमें हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है, आपने कहा कि ए बी सिक्स ए बी फाइव ए बी फोर ए बी थ्री ए बी टू ये हमारे पास आई, तो इनमें हमारे पास इस वेस्पर थ्योरी में ही कि सारी शेप किसके अकॉर्डिंग आई, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब उसकी कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन भी थी हमारे पास कि कोई डाउट नहीं है कि भाई कि वेस्पर थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था शेप्स ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। किसको शेप किसको एक्सप्लेन किया वेस्पर थ्योरी ने, सिंपल शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को। बट वो किसमें आने पर एक्सप्लेन कर दो तो परफेक्ट आपने प्रेडिक्ट द शेप ऑफ ए नंबर ऑफ केसेस, भाई वो आपके पास एक्सप्लेन नहीं कर पाए डिफरेंट काइंड ऑफ केसेस को, जो अलग अलग आते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आते हैं उनको, उनका स्ट्रक्चर या शेप सॉरी शेप एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एंड इट इज ए बैड लिमिटेड एप्लीकेशन थी उसकी, ओनली खाली यही उसकी एक बड़ी एप्लीकेशन थी खराब जो हमारे पास। तो इससे कहते हैं भाई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास डज नॉट सी, इट इज वेरी रेशनल। उसने कहीं डायरेक्शन दिखाई कभी इधर जा रहे कभी उधर, ये फिक्स नहीं बता पाई। उसने अपने अकॉर्डिंग रख दिया भाई इनको आप ऐसे रखिए, ये आपके पास लीनियर चले जाएंगे, थोड़ा झुका दीजिए बेंट हो जाएंगे, थोड़ा और झुका के ऊपर लगा दीजिए आपके ट्राइगोनल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या कहा उन्होंने कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डज नॉट सीम टू बी वेरी रेशनल, ठीक है। तो लेविस ने अप्रोच की थी वेस्पर थ्योरी एज ए बैड मेनी लिमिटेशन। तो आप पास तो इनके जो आई जो लिमिटेशन थी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ केसेस में शेप नहीं एक्सप्लेन कर पाई, उनको एक्सप्लेन करने के लिए कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन ने एक पुट अप किया, क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल्स ने दो थ्योरी पुट अप की, वो थी आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बॉन्ड थ्योरी और दूसरी थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या थी कि कुछ ही केसेस को ही एक्सप्लेन कर पाई सिंपल, मोर और नो केसेस में मोर केसेस को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई उनके शेप्स को, ठीक है। सिंपल मॉलिक्यूल्स में बताते गए दो इलेक्ट्रॉन है तीन है इनके करते गए चलते गए हमारे पास, ठीक। बड़े साइज के मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन आ गए उनको नहीं कर पाए, ना ही इलेक्ट्रॉन को जो डायरेक्शन उसको शो कर पाई। दैट इज द लिमिटेशंस ऑफ शेप वेस्पर थ्योरी एंड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स of different molecule based on Vesper theory. In this topic we are discuss about this. Okay? Thank you.